मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन रहा। कल वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था और आज देश के बजट पर चर्चा की शुरुआत हो गई। चर्चा के दौरान संसद के अंदर से लेकर बाहर तक संग्राम का दौर दिखा, सियासत का दौर दिखा, वार पलटवार का दौर दिखा। विपक्षी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बजट पर लोकसभा में 20 घंटे तक चर्चा होगी, ये वक्त तय कर लिया गया है और 30 जुलाई को इन सवालों पर, इस चर्चा पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना जवाब देंगे 30 जुलाई को। लेकिन 20 घंटे की लंबी बहस के दौरान 5 क्षेत्रों पर खास करके चर्चा होगी। 5 अहम मंत्रालयों पर ये बहस का दौर होगा। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं, वित्त मंत्रालय को लेकर चर्चा की जाएगी। इस दौरान इसको लेकर सदन में सदस्य अपनी बात रखेंगे। दूसरी मिनिस्ट्री रेलवे मिनिस्ट्री, जिसको लेकर लगातार सरकार का फोकस रहा है, रेलवे मंत्रालय को लेकर भी चर्चा होगी। एजुकेशन को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और बजट में इसको लेकर क्या प्रावधान रहे, इस मद में कितनी राशि का एलोकेशन हुआ है, इसको लेकर चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय, कोविड के बाद से ही इस सेक्टर पर लगातार फोकस रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को लेकर भी इस दौरान सदन में चर्चा होगी। इनके डिमांड और ग्रांट पर चर्चा के लिए 5-5 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है। इन तमाम मंत्रालयों के लिए वक्त तय किया गया है 5-5 घंटे का। और लगातार 7वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस बजट का विरोध करते हुए सड़क से संसद तक विपक्ष बेहद आक्रामक दिखा। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। संसद की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया, नारे लगाए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उच्च सदन में बजट की निंदा की और कहा कि दो की थाली में पकौड़ा और बाकी की थाली खाली है। निशाना उनका था दरअसल खास प्रावधान जो बजट में थे बिहार और दरअसल आंध्र प्रदेश के लिए, उसी को लेकर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि दो की थाली में पकौड़ा और बाकी की थाली खाली है। जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। तो अपने ही अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दो की थाली में पकौड़ा और बाकी की थाली खाली। दरअसल कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता विपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोल रहे थे तब सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी, वो भी राज्यसभा से ही सांसद है। निर्मला सीतारमण ने कुछ कहा इस पर, कुछ रिएक्ट किया उन्होंने इस पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस पर रुक जाइए, माता जी बोलने में एक्सपर्ट है। इशारा उनका सीधे दरअसल निर्मला सीतारमण की तरफ था। मल्लिकार्जुन खड़गे के इतना कहने के बाद आसन पर मौजूद सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये तो आपकी बेटी के बराबर है। ये बहस भी चर्चा में रही। देखिए, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, सो माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी ये तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर है। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। तो गंभीर चर्चा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, लेकिन इस रिएक्शन पर संसद में, राज्यसभा में मौजूद तमाम सदस्यों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी दिखी। खैर, विपक्ष ने भेदभावपूर्ण वाला आरोप लगाया है, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि अपमानजनक आरोप है। कांग्रेस और विपक्षी दल लोगों को गलत धारणा देने का प्रयास जानबूझकर कर रहे हैं। राज्यों को धन या योजनाएं आवंटित नहीं की गई हैं, इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। सुनिए। दैट इन एवरी बजट यू डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू नेम एवरी स्टेट ऑफ दिस कंट्री। आई हैव नॉट नेम्ड वेरी मेनी स्टेट्स, बट लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र फॉर इंस्टेंस। Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadhavan in Maharashtra.
Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? If the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the government of India, the programs of government of India, don't go to these states? तो वित्त मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों का नाम लेना जरूरी नहीं है और कई बार ऐसा होता है कि सभी राज्यों के नामों का जिक्र नहीं हो पाता, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इन राज्यों के लिए प्रावधान या बजट एलोकेशन नहीं है। तो राज्यसभा में विपक्षी नेता बजट पर सरकार को निशाने पर लेते दिखे। राज्यसभा के सांसद, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने भी बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसा है। सुनिए एक बार क्या कहा। I missed her quotes from either Thiruvalluvar or any other classic literature. Maybe she didn't have time to quote from a classic poet in Telugu or in Bhojpuri. तो बजट में शेरो शायरी न होने को लेकर भी एक मुद्दा दिखा, हालांकि लाइटर नोट पे इसका जिक्र हुआ, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बजट में केवल बिहार और आंध्र प्रदेश को ही लाभ पहुंचाया गया है, बाकी राज्यों को कुछ भी नहीं दिया गया। ये विपक्ष कह रहा है। कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस की दूसरी सबसे अहम पार्टी समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियां बजट को लेकर सरकार को निशाने पर लेते नजर आई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, कन्नौज सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, लखनऊ के लोगों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया है, निशाना था उनका सरकार पर। सुनिए। सबने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ, लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया, उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बजट में दो राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों की अनदेखी का आरोप विपक्ष ने लगाया और इसको लेकर आज इंडिया ब्लॉक ने संसद परिसर में भी विरोध प्रदर्शन किया। इंडिया अलायंस के नेताओं ने संसद भवन में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और इसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत तमाम विरोधी दल के नेता मौजूद रहे। लेकिन सवाल अब सबसे अहम कि क्या वास्तव में विपक्ष के आरोपों में दम है? विपक्ष का आरोप सही है क्या, या फिर ये महज सियासी आरोप तक सीमित है? इसके लिए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि आखिर बाकी राज्यों को क्या कोई राशि मिली है या बिल्कुल नहीं मिली, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहली बात करते हैं बिहार को लेकर, जिसका जिक्र दिखा। बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में था, जिसका जिक्र किया गया। दूसरा सबसे अहम राज्य आंध्र प्रदेश, जिसको लेकर 15,000 करोड़ की बातें या प्रावधान जो है वो बजट में दिखा। इन दो राज्यों को लेकर तो लगातार विपक्ष कह ही रहा है कि इन दो राज्यों तक ही ये पूरा बजट सीमित था। दो की थाली में जो पकौड़ा वाला स्टेटमेंट था वो इन्हीं दो राज्यों के लिए था, लेकिन बाकी राज्यों के लिए भी प्रावधान है। मसलन महाराष्ट्र के लिए 7600 करोड़ का प्रावधान रहा बजट में। देश का सबसे अहम और बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां 2.44 लाख करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश के लिए अलग अलग योजनाओं के लिए रखी गई, और ये तो कुछ राज्यों के ही आंकड़े हैं। आपको कुछ और राज्यों के बारे में भी बताते हैं कि बजट में इन राज्यों के लिए प्रावधान क्या किया गया है और विकास को लेकर कौन कौन सी योजनाएं चलाने की बात बजट में कही गई। मसलन झारखंड के लिए पूर्वोदय योजना का जिक्र है, पश्चिम बंगाल के लिए भी पूर्वोदय योजना का जिक्र किया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हकीकत कुछ और है। बजट में उत्तर प्रदेश को चालू वित्त वर्ष में 2.44 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, जो अंतरिम बजट की तुलना में ज्यादा है। लगभग अंतरिम बजट से इसमें 7,482 करोड़ रुपए का इजाफा दर्ज किया गया है। इस बजट में केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी है, ब्याज मुक्त लोन भी शामिल है। इससे उत्तर प्रदेश के विकास को और तेज रफ्तार मिल पाएगी, और कई बड़े प्रोजेक्ट का जिक्र भी यूपी को लेकर इस बजट में है। ताज नगरी आगरा, जहां मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां 550 करोड़ रुपए मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए, जो RRTS है, उसके लिए 1,045 करोड़ की राशि। यूपी को रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बजट 450 करोड़ किया गया। बुंदेलखंड से MP की कनेक्टिविटी जो है, मसलन यूपी के झांसी से MP के दतिया तक रेलवे ट्रैक ट्रिपल होगा, और यहाँ से सादा तक रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण किया जाएगा। यूपी में बनाए जाएंगे 2 औद्योगिक पार्क। ये तमाम योजनाएं, ये तमाम प्रावधान बजट में उत्तर प्रदेश को लेकर किए गए।
यानी बजट में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग योजनाएं और प्रावधान थे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर किसी राज्य को कुछ भी नहीं मिला। कांग्रेस का यह कहना है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों से भेदभाव किया गया। टीएमसी का आरोप है, खुद ममता बनर्जी ने कहा बंगाल को बजट में कुछ भी नहीं दिया गया। शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे का गुट कह रहा है कि महाराष्ट्र का जिक्र तक नहीं किया गया। चुनावी राज्य सरकार यहां की झारखंड की जेएमएम की तरफ से कहा गया कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। आरोप इस तरह के लगाए गए, आंकड़े भी हमने आपके सामने रखे कि किन राज्यों के लिए प्रावधान क्या किया गया है। तब आप खुद तय करिए कि ये आरोप सियासी हैं या इन आरोपों में दम है, क्योंकि आंकड़ा आपके सामने है। तो बजट सत्र चल ही रहा है और विपक्ष के पास मुद्दा है या नहीं है ये बड़ा सवाल, क्योंकि लिहाजा बजट के जरिए शोरगुल करना अहम हथियार बनता दिख रहा है। आज भी जब संसद की शुरुआत हुई तो विपक्षी नेता राज्यसभा में पहले शोरगुल करते रहे और फिर उसके बाद कुछ देर के लिए संसद से वॉकआउट भी कर गए। विपक्षी नेताओं का कहना है कि राज्यों को कुछ नहीं दिया गया। फिर से सुनिए आरोप। ये बजट एक ऐसा बजट है जिसने लगभग हर व्यक्ति को निराश किया है। औसतन हम देखते हैं कि बजट कुछ इस प्रकार का होता है कि एक वर्ग खुश होता है, दूसरा वर्ग निराश होता है, लेकिन ये कमाल का बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र दो व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। जिस तरीके से बजट में भेदभाव हुआ है, जो जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उनको टोटली इग्नोर किया गया है, और खास करके महाराष्ट्र तो इनका अलायंस के साथ चल रहा स्टेट है। महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से, जैसे मैंने कल कहा था, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कल घोषित की है, यूनियन बजट नहीं था वो, वैसे ही प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना कल बजट में दिखाई दी। तो विपक्ष के इन सभी आरोपों पर ट्रेजरी बेंच ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि विपक्षी नेताओं के आरोप बेबुनियाद है। बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ दो राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो एक दो राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? ये बजट देश की जनता के बहुत ही हित में है, समाज के हर वर्ग के हित में है, विशेष तौर पर महिलाओं के और किसानों के हित में बहुत सी योजनाएं जो बताई गई हैं। देश की आधी आबादी महिलाओं की है बड़ी संख्या में, क्योंकि कृषि प्रदेश और कृषि देश होने के नाते से हर कृषि प्रदेश को इसका लाभ होने वाला है। विपक्ष को सूझ नहीं रहा है कि वो विरोध करे तो कैसे करे। इन लोगों ने क्या कहा कि ये बजट सरकार बचाओ बजट है, तो सरकार गिराओ बजट बना दें हम। भाई जब बजट सरकार को बचाने वाला है, इस सरकार को मजबूत करने वाला है, इसका मतलब अच्छा बजट है। अब उसके बाद आप रो रहे हैं, सर पटक रहे हैं, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। और तो और कांग्रेस के नेता 1991 के बजट को याद कर रहे हैं। 33 साल बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मनमोहन सिंह के बजट को शानदार बताते हुए सोशल मीडिया पर सराहना की। कांग्रेस के अध्यक्ष राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, जुलाई 1991 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उदारीकरण का बजट, जिसने आर्थिक सुधारों के एक नए युग की शुरुआत की थी। इस दूरदर्शी कदम ने देश में क्रांति ला दी, मध्यम वर्ग को सशक्त बनाया और लाखों लोगों को गरीबी और हाशिए से ऊपर उठाया। कांग्रेस पार्टी इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर बहुत गर्व महसूस करती है, जिसने भारत के विकास को गति दी और प्रगति और समृद्धि को प्रेरित करना जारी रखा। हालांकि पीवी नरसिम्हा राव का जिक्र कांग्रेस नेताओं से विरले ही दिखता, कम ही ऐसे मौके हैं जब नरसिम्हा राव का जिक्र कांग्रेस के नेता करते रहे। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के नेता क्यों 1991 के बजट को आज याद कर रहे हैं? उस बजट को शानदार बताकर 2024-25 के बजट पर सवालिया निशान खड़ा करने में क्यों जुटे हैं कांग्रेस के नेता? क्योंकि 91 का बजट तो बिल्कुल अलग माहौल में था। तब भारत की आर्थिक हालात डामाडोल थी, जबकि आज भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है, इंडियन इकोनॉमी टॉप 5 में है। उस समय देश को कर्ज लेने के लिए सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। दोनों वर्षों के बजट की या आर्थिक स्थिति की तुलना करते हैं, 1991 में भारत की स्थिति क्या थी और आज भारत कहां खड़ा है। 1991 में
गंभीर संकट में इकोनॉमी थी, वित्त मंत्री थे तब मनमोहन सिंह और सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की, लेकिन आज अर्थव्यवस्था मजबूत है और अगले कुछ वर्षों में टॉप 3 इकोनॉमी में भारत शामिल होगा। तब विदेशी मुद्रा भंडार महज 1.2 बिलियन डॉलर तक सीमित था, आज ये 666 बिलियन यानी कई सौ गुना इसमें इजाफा हो चुका है। जीडीपी की अगर बात की जाए तब जीडीपी 266 बिलियन डॉलर की थी और आज जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। कर्ज के लिए तब 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था, आज देश में सोने की काफी डिमांड है और इसको लेकर लगातार देखा जा रहा अलग अलग पहलुओं में। दोनों वर्षों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग है, भारत तब अलग था आज भारत अलग है। आर्थिक मोर्चे पर भारत काफी मजबूत हुआ है साल दर साल।